ये दूसरा कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स है जिन्होंने क्वालिफाइड एग्जाम के लिए एलिजिबल हो गए लेकिन अगर आप एबसेंट थे जुलाई सेवेंथ एग्जाम के लिए नहीं तो आपने एग्जाम प्रेजेंट हुए थे लेकिन पास नहीं हुए एक या दो या तीन या चारों सब्जेक्ट में फिर क्या होता है दिस इज द सीरीज़ ऑफ स्टेप्स आफ्टर दैट अगर आप एबसेंट हुए थे एग्जाम के लिए तो फिर आप रीअेम्प्ट कर सकते हैं ऑन ऑगस्ट फोर्थ द एग्जाम फ़ीस आपको 50 परसेंट ऑफ़ द फी जो आपने पहले भरा हुआ था उसको पे करना है रजिस्टर करना है ऑगस्ट फोर्थ आके आप रीअटम्प्ट करेंगे क्वालिफायर एग्ज़ाम को और अगर आपने पास नहीं किए एक या दो या तीन या चार सब्जेक्ट आप भी इस फॉर्म को भरेंगे आप भी 50 परसेंट फीस भरेंगे फोर्थ ऑगस्ट को आके आप वो क्वालिफायर एग्जाम फिर से देंगे लेकिन यहाँ पे आपका एक चॉइस है अगर आपने जुलाई सेवन्थ एग्जाम में इंग्लिश वन मैथ्स वन पास कर दिए लेकिन स्टैटिस्टिक्स वन और कंप्यूटेशनल थिंकिंग पास नहीं किया है तो ऑगस्ट फोर्थ आप सिर्फ स्टैटिस्टिक्स वन और कंप्यूटेशनल थिंकिंग लिख सकते हैं इंग्लिश वन और मैथ्स वन फिर से लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको तो हम लोग बेस्ट ऑफ द टू लेंगे तो यहाँ पे दो सब्जेक्ट आपने पास कर दिया फिर दो सब्जेक्ट आप अगर पास कर देते हैं तो फिर आप क्वालिफाई हो जाएंगे यू कैन ऑल्सो अटैम्प्ट ऑल फोर सब्जेक्ट्स ऑन ऑगस्ट फोर्थ लेकिन वो रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि आपने दो सब्जेक्ट पास कर लिए सो यू कैन अटेम्प्ट ओनली जो भी सब्जेक्ट आपने पास नहीं किया हो तो दिस इज द प्रोसेस एंड स्टेप्स फॉर दो स्टूडेंट्स जो एबसेंट हुए थे नहीं तो ऑल फोर सब्जेक्ट्स पास नहीं हुए थे ऑन जुलाई सेवेंथ